ତା ସହିତ ଭାରତରେ COVID-19 ମହାମାରୀର ମହାମୁକାବିଲା ଲାଗି ସେଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପ୍ୟାକେଜର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେତେବେଳେ ଭାରତର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ GDPର 10% ସହ ସମାନ ଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए, वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान परे अर्थ एवं कॉर्पोरेट व्यापार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 13 मे ठारु 17 मे 2020 पर्यंत लगातार सांबादिक सम्मेलनी जरिया रे आत्मनिर्भर भारत पैकेज रो सविशेष विवरणी उपस्थापन करथिले। आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत आर्थिक पैकेज संक्रांत घोषणा गुड़ी लागू करबा आरंभ कर देथिला अर्थ एवं कॉर्पोरेट व्यापार मंत्रणालय। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान डाकरा एवं बदल भारत में आर्थिक प्रगतिर दृश्यपट। कोविड महामारी मांदावस्था कबल भारत उपरकु उठी विश्व अर्थव्यवस्था अन्य विकसित देश को पछरे पकाई पारी, ह्रास पाई अन्य देश उपरे निर्भरशीलता, एवं समस्त क्षेत्र में भारत हो आत्मनिर्भर। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।